हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और ये देखिए मैं क्या लाई हूँ। और ये ना मसाला जो बॉक्स होता है, मसाले का बॉक्स, तो ये वही है। तो इसको मैं ना हमारे यहाँ जो सेल लगा था, मैंने आपको बताया था ना, उसी से मैं लाई हूँ इसको। मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा ये, तो इसी वजह से मैं इसको लेके आई हूँ, आप देख सकते हो। और इसके अंदर मुझे क्या अच्छा लगा मैं बताती हूँ। इसके अंदर जो डिब्बे है ना, इसका ढक्कन भी है, तो मेरे पास जो है ना उसका ढक्कन नहीं है, तो मैं इसको ले आई। और इसका जो ढक्कन है वो भी आराम से टाइट है, अच्छे से ये लग रहा है, तो इसी वजह से मैं इसको लेके आई हूँ। और इसका रेंज है, ये मुझे ना 60 रुपए की पड़ी है। और ये कुछ चम्मच है, ये 3 चम्मच है, देख सकते हो आप। और ये ना शक्कर वगैरह जो होता है, मैदा, शक्कर, बेसन और ऐसे शक्कर बेसन चाय पत्ती के लिए ये आराम से चल जाएगा इसको, ये तो इसी वजह से मैं इसको लेके आई हूँ। और ये मुझे ना 10 रुपए का 3 मिला है, अच्छा है ना, 10 रुपए का 3, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ले आई हूँ। और ये है तेल का डिब्बा, और इसको ना मैं बहुत पहले से लेना चाहती थी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिल रहा था पास में, तो इसी वजह से आज मुझे यहाँ सेल में दिख गया, तो मैं इसको ले आई हूँ। और ये ना 30 रुपए का पड़ा है मुझे ये। वैसे इतना क्वालिटी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ना फिर भी अच्छा है, काफी अच्छा है, 30 रुपए को देखने से ना काफी अच्छा मिला है मुझे तो। और ये मैं एक जाली लाई हूँ, क्योंकि ये ना जो तेल वगैरह इसमें इस तरह से रख कर मैं ना किचन में रखूंगी, तो इसी वजह से मैं इसको लेके आई हूँ। और ये ना मुझे 20 का पड़ा है, तो बस इतना ही चीजें लाई हूँ गाइस, और मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये वीडियो ना मैं कल के वीडियो में डालूंगी, आज की वीडियो में नहीं आएगा ये मैं कल के वीडियो में डालूंगी। और तो चलिए गाइस, अभी मैं मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी अभी आपने जो वीडियो देखा ना, वो कल का था, कल रात का था। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी 8 बज चुके हैं, और आज ना मौसम पूरा बादल किया हुआ है, तो टाइम का पता नहीं चल रहा। तो चलिए गाइस, मैं झाड़ू कर लेती हूँ। और ये बाड़ी की तरफ है हमारा, तो झाड़ू करने के बाद ना मैं जितने भी पत्ते वगैरह हैं उसको मैं माचिस लेके आई हूँ, तो इसको मैं जलाऊंगी सारे पत्ते वगैरह को, क्योंकि पानी आने से ना फिर जो पत्ता है वो भीग जाएगा, तो फिर नहीं जलेगा, फिर वो रह जाएगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो अभी झाड़ू करने के बाद इसको जला देती हूँ। और आज इतना ज़्यादा बादल किया हुआ है ना, मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसी वजह से थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी का जो मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है आज। तो चलिए गाइस, मैं झाड़ू कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ।
और अभी मैं इस तरह से सारे पत्ते को जो है मैंने जला दिया है। और इसको मैं इसलिए आज जला रही हूँ ना कि बादल जिस तरह से किया हुआ है ना, हो सकता है कभी पानी भी टपकने लगे, तो इसी वजह से तो मैं इसको जला लूँगी और फिर मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद फिर कुछ नाश्ता बनाऊँगी गाइस। और पता नहीं आज मैं कुछ शेयर कर पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी खाना पीना कुछ, तो आज कोई रेसिपी नहीं है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। तो बस अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और मैंने बनाया है चाय और चीला। और आपको तो पता ही हमारे यहाँ बहुत चीला खाते हैं। तो अभी ना मैं घर की तरफ आई थी तो अभी 11:30 बज चुके हैं, तो आप देख सकते हो पानी टपकने लगा है। और आज का जो वेदर है बहुत ही ख़राब हो रखा है, बहुत ही बादल छाए हुए हैं और ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो इस मौसम में ना शरीर जो होता है वो बिगड़ता ही बिगड़ता है, तो आप लोग ना अपना ख्याल रखिएगा गाइस, हमेशा गर्म कपड़े पहन कर रखिएगा, नहीं तो मेरी तरह आप लोग भी तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो बस और अभी 12:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं आई हूँ कुछ नेल पेंट लगाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा लूँगी, और बहुत दिनों से ना मैं नहीं लगाई हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ सच बात कि मैं ना कभी भी अपने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, जैसे कि कोई मेकअप वगैरह या स्किन केयर या फिर कुछ अपने पैरों के लिए। मेरा पैर ना पूरा फट चुका है, जैसे एड़ियाँ जो फटती हैं ना, तो इसकी वजह से भी मैं ना कुछ ध्यान नहीं देती हूँ। मैं खुद के लिए कभी ध्यान नहीं देती हूँ सच बताऊँ। जब मैं वीडियो, मेरा पहले का वीडियो आप लोग देखना, मैं बिल्कुल मेकअप ही नहीं कर रही थी पहले जब मैं वीडियो बनाती थी, तो ना ही मेकअप करती थी, ना ही बिंदी, ना ही कभी कभी तो ऐसे भी आ जाती थी, मतलब बिना बिंदी बिना सिंदूर के। तो बस मुझे उतना शौक नहीं है मेकअप का। लेकिन फिर जब मेरे कुछ सब्सक्राइबर बोलने लगे कि आप बिना मेकअप के आ जाती हो वीडियो में, आप कुछ मेकअप किया करो, तो बस इसी वजह से आजकल ना मैं थोड़ा सा उस मेकअप पर थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। तो फिर भी आप लोग देख सकते हो कि फिर भी मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, तो बस इसी वजह से। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं नेल पेंट लगा लूँ लेकिन नहीं लगा रही थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज ज़्यादा काम नहीं है, तो मैंने इसीलिए नेल पेंट निकाली हूँ लगाने के लिए। और मुझे ना नेल पेंट में मुझे रेड कलर पसंद है, तो इसी वजह से मैं हमेशा रेड कलर ही लाती हूँ। और मैं माही को भी बुलाई थी आ जाओ नेल पेंट लगाना, लेकिन वो शायद खेल रही थी, तो इसी वजह से उसने नहीं सुना मेरी बात। और उसे भी बहुत ज़्यादा शौक है नेल पेंट लगाने की। तो बस और अभी मैं नेल पेंट लगाने के बाद कुछ खाना वाना भी बनाऊंगी, क्योंकि आधा मैं बना चुकी हूँ और आधा मेरा बाकी है। तो चलिए गाइज, मैं अपना जो काम है वो ख़त्म करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है गाइज 1:30 बज चुका है, तो अभी 1 बज चुका है। तो अभी ना मैं लंच बना रही थी, और लंच में मैंने बनाया है पत्ते गोभी की सब्जी, बनाया नहीं है बस मैंने इसको चढ़ा दिया है, देख सकते हो आप लोग। और मेरा दाल और चावल बन चुका था, तो अभी मैंने पत्ते गोभी को ना कुकर में मैं बना रही हूँ, तो बस मैंने चढ़ा दिया है। और अभी ऐसा लग रहा है ना कि कैसे मैं जल्दी से लंच बना दूँ और फिर मैं जाके सो जाऊँ, तो बस ऐसा ही लग रहा है कि मैं जल्दी से जाऊं लंच बनाकर और जाके सो जाऊं। तो इसी वजह से मैंने कुकर में सब्जी को चढ़ा दिया है ताकि वो जल्दी हो जाए और फिर मैं थोड़ा सा आराम कर पाऊं। और अभी 1 बज रहे हैं गाइस, और बहुत सारे बर्तन भी हैं धोने के लिए, लेकिन अभी नहीं धोऊंगी मैं। और अभी सोते सोते ही मैं इस वीडियो का एडिटिंग करूँगी, और आज मैं ज़्यादा कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और मैंने नींबू को बाहर रखा हुआ था ताकि मैं अचार बनाने के लिए, नींबू और मिर्ची का अचार बनाने के लिए, तो मैं आज सोच रही थी कि आप लोग के साथ शेयर करूंगी, लेकिन ना आज धूप बिल्कुल भी धूप नहीं है, आप लोगों ने देखा अभी अभी थोड़ा सा बारिश हो रही थी, तो इसी वजह से। और धूप नहीं होने से ना मिर्च का अचार जो है वो अच्छा नहीं होता है, तो इसी वजह से मैंने मिर्च का अचार नहीं बनाया है। मैं जब धूप हो जाएगा तब बनाऊंगी। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ, और अभी अभी ना आप लोगों को पता ही होगा गाइस, अभी अभी मेरा चैनल जो है कुछ ही दिन हुए हैं मोनोटाइज हुआ है, तो
मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर दिन वीडियो डालूँ, क्योंकि मोनोटाइज होने के बाद ना हर दिन वीडियो डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी तो जो मेहनत होता है उसका फल मिलेगा ना। जब अगर आप एक तीन दो दिन तीन दिन में एक वीडियो डालोगे तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी तो उतना व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे कि एक वीडियो डालूंगी तो वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे या फिर वो वीडियो चल जाएगा। तो इसी वजह से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ चाहिए अभी, तो इसी वजह से मैं ना रोज़ रोज़ चाहती हूँ वीडियो डालना, लेकिन ना तबीयत की वजह से कभी कभी नहीं हो पाता। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जब तक मतलब जब तक मैं कर पाऊँ, जिस हद तक मैं कर पाऊँ ना उस हद तक करती ही हूँ। तो तबीयत ख़राब होने से भी आप लोग देख ही रहे हो मैं रोज़ ही वीडियो डाल रही हूँ, तो बस यही कोशिश करती हूँ मैं हमेशा कि वीडियो डालूँ। तो बस आज का मेरा वीडियो ना यहीं तक का ही था, और आज मैंने कुछ भी आप लोग के साथ खाना पीना कुछ भी शेयर नहीं किया है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। और माही अभी मुर्रा खा रही है क्योंकि अभी भी भूख लगा शायद उसको, तो वो मुर्रा खा रही है। और मैं हमारी माही को भी ना हमेशा सर्दी और जुकाम लगा रहता है, तो मैं ये सोच रही हूँ ना, कल से मैं यही सोच रही हूँ कि अगर हम लोगों को दो तीन दिन हुआ है अगर ऐसा लग रहा है तो हमारी माही को तो हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ही उसको सर्दी होती है, हमेशा सर्दी से वो बेचारी उसका जो सांस है ना वो फूलता रहता है। तो मैं वो सोच रही हूँ कि उसको कैसा लग रहा होगा, है ना बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, कैसा लग रहा है बेटा? हाँ देखा आप लोगों ने, वो बोल रही है अच्छा नहीं लग रहा है। और ये क्या किया, इसने क्या किया है आप देखिए, इसके चेहरा को देखिए, देखा बेटा वो काजल कैसे लगाई हुई है। जब मैं इस रूम में थी ना, जब किचन में मैं थी, वो अपने रूम में जो मेरा जो होता है ना, जो जिस जाली में रखती हूँ मैं मेरा जो काजल वगैरह लिपस्टिक वगैरह होता है, तो उसने ना उसको निकाल कर वो खुद ही मेकअप की है। तो देख सकते हो आप लोग, काजल लिपस्टिक सब कुछ लगाई हुई है। तो चलिए गाइस, आज का मेरा वीडियो ना यहीं तक का ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट वीडियो हो मेरा उसमें कुछ अच्छा सा कुछ रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे मौसम में ना हमेशा जो गर्म कपड़े होते हैं उसको पहन कर रखिएगा, ताकि आपकी तबीयत भी मेरी तरह खराब ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।